सिल्ली विधायक सुदेश महतो ने की पारा टीचर और मनरेगा अधिकारियों संग बैठक, कहा दो दिन में स्कूली बच्चों को करे किताबें उपलब्ध। सिल्ली स्टेडियम परिसर में आयोजित बैठक में विधायक सुदेश महतो ने कहा कि विभाग द्वारा सिल्ली कार्यालय में स्कूली बच्चों का पुस्तक पहुंच गया है, उन पुस्तकों को जल्द से जल्द स्कूली बच्चों के घर तक पहुंचाएं, जिससे लॉकडाउन की अवधि में बच्चे सिलेबस से पीछे चल रहे हैं उन बच्चों की तैयारी जल्द पूरा हो सके। विधायक ने कहा कि पुस्तक की कमी हो तो पुस्तकों के छाया प्रति बच्चों के बीच भेजा जाए। उन्होंने कहा कि वैसे छात्र जिनके बीच डिजिटल पढ़ाई, मोबाइल, टीवी जैसे उपकरण का सहारा नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर अलग से पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। पारा शिक्षकों को इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील उन्होंने की। साथ ही उन्होंने कहा कि पारा शिक्षक अपने गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में अहम भूमिका निभाएं। इस कार्य के लिए विद्यालय के शिक्षक के अलावा स्थानीय मुखिया, वार्ड सदस्य के साथ शिक्षाविद भी अपनी भूमिका निभाएंगे। बीईओ सुदामा मिश्रा ने कहा कि पूरे प्रखंड में 113 विद्यालय के कुल 11,000 छात्र छात्राएं इन बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ 9 दिन बाद टेस्ट परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में अच्छे अंक पाने वाले बच्चों के बीच पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। इस कार्य में CRP एवं BRP को भी लगाया गया है। इसके अलावा विधायक सुदेश महतो ने अनगढ़ा के मनरेगा BPO एवं अधिकारियों के साथ बैठक किया एवं उन्हें बरसात से पूर्व मनरेगा से जुड़े योजना कार्य को पूरा करने एवं क्षेत्र के चेक डैम को साफ सफाई का निर्देश दिया, जिससे वर्षा के दिनों में आए हुए पानी जमा हो सके और किसानों को लाभ मिले। सिल्ली से तारकेश्वर महतो की रिपोर्ट। कई तरह का प्लान कर रहे हैं हम लोग, अभी एक प्लान चल रहा है जो प्रवासी मजदूर आएंगे उनके लिए एक विशेष प्लान चल रहा है, और भविष्य के लिए भी कई तरह के प्लान हम लोग आपस में कर रहे हैं, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग, खेती आधारित कई तरह के कार्यक्रम यहाँ किए जा सकते हैं, उन सभी को लेकर एक बड़ा प्लान हम लोग इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर चल रहा है। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में 3 महीने से बच्चों का क्लास बाधित हुआ है, हमारे होम डिलीवरी हम लोग कैसे शिक्षा को कर सकें इसकी तैयारी हम लोगों ने प्रारंभ की, और मैंने आग्रह किया है जितने भी क्षेत्र के शिक्षाविदों के साथ बैठकर कि 3 महीने का कोर्स जो उनको छूट गया है, इस कोर्स को हम लोग बीते जो सामने समय है 1 महीने के अंदर उनके घर में बैठा के हम लोग कैसे पूरा कर सकते हैं, ये कार्यक्रम को हम लोग अगले सप्ताह से प्रारंभ करेंगे, और उनकी परीक्षा भी घर से कैसे हम लोग ले सकते हैं इसकी भी तैयारी चलेगी, कोर्स से उसको जोड़ने की तैयारी है जिसमें सभी लोगों की भागीदारी ले जा रही समाज में। जो छत्तीसगढ़ मनरेगा को लेकर हम लोग जो कार्यक्रम गवर्नमेंट फोकस प्रोग्राम है उस निश्चित रूप से होगा, इसके अलावा हम लोग ग्रीनलैंड तैयार करने की तैयारी कर रहे हैं, चूँकि उसको कनेक्ट करेंगे और कई चीज़ों से कनेक्ट करने की तैयारी हमारी है। तो अभी हम लोग लैंड बैंक जो पुराना है और लैंड बैंक पर गवर्नमेंट अभी का कब्जा है कि नहीं इसको भी देख रहे हैं, कितना ज़मीन हमारे यहाँ पर है उस ज़मीन को भी प्लान करेंगे, कौन खेती के लिए उपयोग गाँव के लिए हो सकता है, कौन बाकी और सोर्सेस के लिए हो सकता है, ये सारी तैयारी देख रहे हैं। आज जो बैठक हुई है, एक्चुअल जो बच्चे घर में अभी रह रहे हैं 3 महीने से छुट्टी है, उसको कैसे उसको पढ़ाई कोर्स पूरा किया जाए उसके लिए है, और हम लोग ये तय किए हैं कि अभी जितने भी हमारे विद्यालय हैं, जितने भी बच्चे हैं, सभी के घर में उनको पुस्तक दे दिया गया है और 3 महीने का कोर्स उसको बता दिया जाएगा कि इतने से इतने चैप्टर तक 3 महीने का कोर्स है, उसको जाकर आप वो ले लीजिए, और टीचर उसका सहयोग करेंगे, और ठीक हर 9 दिन के बाद 10वां दिन उसका घर में ही हम लोग टेस्ट लेंगे, और उसका क्वेश्चन की भी तैयारी हम लोग अपने कर लिए। इसमें पारा शिक्षकों का क्या रोल है? इसमें हम इसलिए पारा शिक्षकों का रोल है कि वो उस गांव के हैं, लोकल हैं, उनसे ज़्यादा सहयोग, उनसे ज़्यादा मिले हुए हैं लोग, गार्जियन समझते हैं बात को, इसलिए उनको ज़्यादा लगाया गया है कि आप अगल बगल के हैं, सभी को जानते हैं, आप वहाँ जाकर ज़्यादा काम बेहतर कर सकते हैं। जो परीक्षा लिया जाएगा बच्चों के साथ, तो बच्चों के घर पे जाके ये पारा शिक्षक परीक्षा लेंगे और एग्ज़ाम कॉपी? हम लोग जो परीक्षा लेने का तैयारी किए हैं उसमें सभी बच्चे के लिए क्वेश्चन देंगे, और वो पारा टीचर या उनके सहयोग में जो भी काम करेंगे उनको वहाँ तक बच्चे तक क्वेश्चन को पहुँचा देना है, बच्चे खुद अपने एग्ज़ाम लिखेंगे उसमें कि क्या है नहीं है, जो भी लिखना होगा, जहाँ से भी लिखना होगा, जैसे भी लिखना होगा, और वो जाकर फिर कलेक्ट कर लेंगे, और कलेक्ट करके हमारे पास लाएंगे, जो हमारे BRP CRP है उनको वो मूल्यांकन करेंगे, और उसी में से कुछ प्रत्येक विद्यालय से 3 बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड का कुछ
पुरस्कार दिया जाएगा और जनरली सभी बच्चे को संतावना पुरस्कार भी दिया जाएगा। ये किन के दिशा निर्देश से ये हमारे माननीय विधायक जी श्री सुदेश कुमार माथुर जी के दिशा निर्देश में काम चल रहा है। आपका क्या नाम? मनोज कुमार, BPO शिल्पी। ना जाने मैं बुरा हूँ या मेरा नसीब, ना जाने मैं बुरा हूँ या मेरा नसीब, मेरा हर वो शख्स दिल दुखाता है जिस पर मुझे नाज होता है।